यानी स्वामी जी की मृत्यु मालूम है कि बेटा के अंदर सितारा माशा 1950 से मृत्यु हो गई। इतनी पुस्तकें लिखी, इतना उनका उनका जो लिखित साहित्य है, पैम्फलेट, किताब, भाषण, संकलन, वो सीताराम आश्रम के अंदर यूं ही पड़ा हुआ सड़ रहा था। किसी ने उसकी सुध नहीं ली। लोगों को लगा रही क्या ये कागज का टुकड़ा है। लेकिन एक अमेरिकी विद्वान उनकी मृत्यु के 8 साल के बाद भारत आता है और वो जाता सीताराम आश्रम, देखता कि स्वामी जी के सारे कागजात बिखरे पड़े हैं, कोई सड़ रहा है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा, नमी बहुत ज़्यादा है उस इलाके के अंदर, कागज सड़ रहे हैं। और वह विद्वान उन सारे दस्तावेजों को बटोर कर यहाँ से अमेरिका लेकर चला जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि ये CIA का एजेंट है, ये अमेरिकी एजेंट है, ये चोरी करके स्वामी जी के दस्तावेजों को लेकर अमेरिका चला गया। पार्लियामेंट के अंदर प्रश्न पूछे गए 80 के दशक में, LP शाही जी समय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थे, तो किसी ने पूछा कि आपको मालूम है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के दस्तावेजों को एक अमेरिकी जो है वो चोरी करके विदेश ले गया। तो सरकार ने उत्तर दिया कि हम इसकी जांच करेंगे, हम देखेंगे और उसमें पूरी इसके बारे में विचार करेंगे। और वो वॉल्टर हाउजर उसने शोध किया। और मैं पुस्तक केवल इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ कि ये पुस्तक अंग्रेजी में शायद क्या हिंदी में भी भारत के किसी विद्वान ने स्वामी जी पर इतना शोध कार्य नहीं किया होगा जैसा एक अमेरिकी विद्वान ने किया। ये वॉल्टर हाउजर हैं जिन्होंने और स्वामी जी पर जो शोध किया, जो पुस्तक लिखी, ये उनकी पुस्तक है। और जो मेरा जीवन संघर्ष जिसका जिक्र अभी लोग कर रहे थे, उसका आज तक किसी ने अंग्रेजी अनुवाद, किसी भारतीय विद्वान ने अंग्रेजी अनुवाद नहीं किया। ये वॉल्टर हाउजर हैं और कैलाश चंद्र झा बिहार के रहने, दोनों लोगों ने मिलकर